देश के 20 राज्यों में लगभग 5 करोड़ की जनसंख्या वाले कोष्टा कोशी देवांग देवांगन समाज का 18वां राष्ट्रीय महाकुंभ 29 और 30 सितंबर को इंदौर में आयोजित होने जा रहा है। आज महाकुंभ के पूर्व एक भव्य कलश यात्रा समाजजनों द्वारा चंद्रगुप्त परिसर मालवा मिल से निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में मातृ शक्ति सिर पर कलश धारण करते हुए चल रही थी। कलश यात्रा में हम्पी कर्नाटक स्थित देवांग पीठ के महामंडलेश्वर स्वामी दयानंदपुरी महाराज मुख्य रूप से उपस्थित रहे। 29 और 30 सितंबर को कोष्टा कोष्टी देवांग समाजजन द्वारा महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के पूर्व आज एक भव्य कलश यात्रा मालवा मिल स्थित चंद्रगुप्त परिसर से निकाली गई। ये कलश यात्रा मालवा मिल पाटनीपुरा चौराहा नंदा नगर के साई मंदिर और तीन पुलिया होते हुए परदेसीपुरा स्थित गोकुल धाम परिसर पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस कलश यात्रा में बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं सिर पर कलश धारण करते हुए चल रही थी। वहीं समाज जन भी भजनों पर थिरकते हुए चल रहे थे। देवांग कोष्टी समाज के अध्यक्ष कल्याण देवांग ने बताया कि समाज के महाकुंभ में शामिल होने के लिए आज हम्पी कर्नाटक स्थित देवांग पीठ के महामंडलेश्वर स्वामी दयानंदपुरी जी महाराज बग्गी में सवार होकर जनता को आशीर्वाद देते हुए चल रहे थे। इस अवसर पर समाज की एकता के नारे भी लगाए गए। कोष्टी समाज युवा संगठन के अध्यक्ष जितेंद्र कौल एवं नितेश कौल ने बताया कि पूरा समाज एकजुट होकर इस महाकुंभ को सफल बनाएगा। कल्याण देवांग के अनुसार इस आयोजन के तहत 30 सितंबर रविवार को परदेसीपुरा स्थित गोकुल धाम में परिचय सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें देश भर से 800 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं। यह मालवा में चंद्रगुप्त पैकेज परिसर से चालू हुई है और ये गोकुल धाम परदेसीपुरा पे जाएगी ये यात्रा। और कोष्टा कोष्टी समाज देवांग देवांगन समाज के महागुरु भी आए हुए हैं और 20 राज्यों के प्रतिनिधि आए हुए हैं और इंदौर शहर में ये बहुत बड़ा आयोजन पहली बार होने जा रहा है। और हमारे समाज के सबकी ये मांग है कि जो राजनीति अन्य दलों में काम करते हैं उन लोगों को भी कहीं ना कहीं स्थान मिले। इसी प्रकार से अभी आज संघ कलश यात्रा भी निकाली जा रही है, कल परिचय सम्मेलन होगा। कम से कम 800-850 प्रविष्टियाँ आई हैं, सब बच्चे बच्चियों का परिचय सम्मेलन होगा, उसमें जो मिलान होगा, फिर जो बसंत पंचमी में सामूहिक विवाह करते हैं हमारे समाज के हर साल, उसमें वो लोग शरीक होंगे। ये भाई दिल्ली के गार्डन पे परदेसीपुरा पे ये बहुत ही बढ़िया आयोजन है और हमारे इंदौर शहर में ये पहली बार भव्य रूप में हमारे द्वारा 2 दिवसीय करा जा रहा है। जबकि हमारे महाराज जी आए हुए हैं कर्नाटक से, वो भी जुलूस के रूप में, और हम लोग एक मंगल यात्रा निकाल रहे हैं उनकी, और इसमें सभी पूरे समाज काफी हर्ष का विषय है हम सभी के लिए। ये समाज को एकजुट करने के लिए हमने ये यात्रा का आयोजन किया है और इसी से एक संदेश देना चाहते हैं कि समाज में हमारी एकता बनी रहे। और ये कलश यात्रा कहां से कहां तक निकल रही है? ये कलश यात्रा चंद्रगुप्त टाकिस से परदेसीपुरा तक निकल रही है, डीके गार्डन तक। कल क्या आयोजन होगा? कल हमारे समाज का स्नेह सम्मेलन, वो परिचय सम्मेलन रखा गया है। नितेश कोहली।